महामंत्री वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम एक या दो दिन के अंदर राजस्थान के सीएम का फैसला कर देंगे। दूसरा, धारीवाल जी को, महेश जोशी जी को, धर्मेंद्र राठौड़ जी को नोटिस दिए। अब एक महीने से ऊपर का समय निकल गया उस बात को, और इसमें सीएलपी की मीटिंग बुलाने की बात हुई थी तो अभी तक सीएलपी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। मेरा तो यही कहना है कि आलमगीर की विश्वसनीयता, और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जो वेणुगोपाल जी के हिसाब से एक या दो दिन में होना था वो फैसला किया जाए, जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले, और इससे दोनों जगह कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। और ये जब इस चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सभी जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसमें जल्दी फैसला करके आलमगीर को जिन तीन लोगों को नोटिस दिए उसमें जो भी फैसला करे आलमगीर, वो फैसला तुरंत करे, सीएलपी की मीटिंग तुरंत बुलाई जाए, और इससे मुख्य जो सीएम का फैसला है, जो भी हमारे नए अध्यक्ष जी अब बन गए, उन्होंने कार्य ग्रहण कर लिया, वो यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, उन्होंने सारी चीजें देखी है, अब इसके बाद में उनको ये मैसेज देना चाहिए कि पार्टी डिसीजन करे, इससे पार्टी को फायदा होगा। आलमगीर को फैसला करना चाहिए। अभी ये लोग आलमगीर के इनके पास नोटिस हैं, और ये एक प्रकार से पार्टी के कटघरे में खड़े हैं, और पार्टी इनको बरी करती है, इनको सजा देती है, इनको पार्टी से निकाला जाता है, सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं, माफ करते हैं, पार्टी के मेरे हिसाब से इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, बाकी डिसीजन है ना सारा का सारा वो पार्टी करेगी, लेकिन सीएलपी की मीटिंग है या मैं यदि मैं हूं तो वो पैसे डाल देता, मैं इनको बर्खास्त कर देता। यही कहना चाहता हूं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बढ़िया स्थिति में है, और यदि हम तुरंत डिसीजन करते हैं दिल्ली के अंदर सीएलपी की मीटिंग बुला के, अब तो वहां हमें फायदा होगा इसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।